रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने भिलाई निगम की टीम शहर में अपने संसाधनों के साथ घूमती नजर आ रही है। जहां भी आवारा मवेशी नजर आए उन्हें काउ कैचर वाहन में डालकर सीधे गौठान में छोड़ा जा रहा है। मुख्य रूप से नेशनल हाईवे और अंदरूनी क्षेत्र की सड़कों के किनारे घूमने वाले मवेशियों को टारगेट किया गया। नेहरू नगर चौक से लेकर डबरापारा चौक तक सर्विस रोड के किनारे तथा केनाल रोड में निगम भिलाई की काउ कैचर टीम ने पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की और आवारा मवेशियों को पकड़ा। चूंकि भिलाई क्षेत्र अंतर्गत फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से सड़क सक्रिय हो गई है, वहीं दिन रात हजारों वाहन का इस मार्ग से गुजरना होता है। सड़कों पर आवारा मवेशियों के जमघट दुर्घटना बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर रात्रि में पशुओं के सड़कों पर बैठे होने से और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ती हैं। काले रंग के पशु तो आसानी से नजर भी नहीं आते। इन सब कारणों को देखते हुए भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास व अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर आवारा मवेशियों को पकड़ने अभियान छेड़ दिया गया है। देखिए एक्चुअली आवारा जो मवेशी होते हैं वो हर क्षेत्र से उनके जो मालिक होते हैं पशु मालिक, मेन जो रीजन होता है पशु मालिक जो अपने पशुओं को मवेशियों को खुले में छोड़ देते हैं और वो फिर विचरण करते रहते हैं और सड़कों तक आ पहुँचते हैं, नेशनल हाईवे तक भी आ पहुँचते हैं। ये एक बड़ा रीजन है। इस रीजन पे ये है कि आवारा पशु को पकड़ने का काम तो निगम की टीम कर रही है। काउ कैचर के माध्यम से रेगुलर आपको ये दिखेगा कि हम आवारा मवेशियों को पकड़ करके जो है गौठान में ले जा रहे हैं और पशु मालिकों से उसके छुड़वाने के एवज में जुर्माना वसूल कर रहे हैं। पशु मालिकों को भी चेतावनी दी गई है कि जो आपके मवेशी हैं उनको चारा पानी की व्यवस्था आप अपने घर पर ही करें और उनको खुले में न छोड़ें। ये चूंकि दुर्घटना का कारण बनते हैं इस पे स्ट्रिक्टली जो है एक्शन निगम के द्वारा लिया जा रहा है और लगातार जो है जो इसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए। ये टीम सतत रूप से फील्ड में जा करके आवारा मवेशियों को पकड़ने का काम कर देखिये। हाल ही की बात है, अभी रावण भाटा सुपेला जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पे आपका मवेशियों को पकड़ने का काम किया गया था। अंदरूनी क्षेत्रों के जो सड़कें हैं उन सड़कों के किनारे से जो है निगम की टीम जो है वो आवारा मवेशियों को पकड़ने का काम कर रही है। मेन टारगेट जो है अभी चूंकि नेशनल हाईवे डिवाइडर है और नेशनल हाईवे में जो ओवरब्रिज बन रहा है उसके कारण जो सड़कें सक्रिय हो गई हैं और इसमें ज़्यादातर दुर्घटना की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, इसको देखते हुए मेन फोकस जो है नेशनल हाईवे की ओर रहता है। इसके बाद में जो टीम है वो अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ आवागमन बहुत ज़्यादा है और वहाँ मवेशियों का जमावड़ा होता है, इसको सर्च करते हुए इनको उठाने का काम करते हैं। अभियान चलाकर सड़कों के किनारे से कई आवारा पशु को पकड़ा गया। कुछ पशुपालकों को स्पॉट पर ही पशु को छुड़ाने की मांग की गई, परंतु निगम की टीम ने गौठान से रसीद कटवाकर पशु को ले जाने कहा और सड़कों पर मवेशियों को नहीं छोड़ने की चेतावनी भी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।